मलेशिया में मुसीबत में फंसे किशनगंज का अयूब आलम बेसुध हालत में आखिरकार वतन वापस लौटने में कामयाब रहा है, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। मोहम्मद अयूब कोचाधामन के खाड़ी टोला गमहरिया गांव के रहने वाले हैं। उनके घर लौटते ही रिश्ते नातेदारों का घर आने का सिलसिला जारी है, जो भी उन्हें इस हालत में देख रहे हैं उनकी बेबसी पर अफसोस कर रहे हैं। मैं मलेशिया गए थे मैं कमाने के लिए, लेकिन मेरे साथ कंपनी वाला मार दिया हमको। कंपनी का आदमी जो था वो मारा है हमको, और दिमाग में चोट है, सर में मारा था मेरा, दिमाग में चोट है, और हमको कुछ पता नहीं है कैसे हमको हॉस्पिटल में रखा है, कैसे क्या किया है, कुछ मालूम नहीं है हमको, कुछ पता नहीं था हमको। मेरा याददाश्त पूरा चला गया, कुछ मालूम नहीं था। और मैं थोड़ा देर दिन के बाद गौरतलब है कि मोहम्मद अयूब काम की लालच में लाखों खर्च कर गलत वीजा पर मलेशिया पहुंच गया था, जहां पर उन्हें काम मिलने के बजाय प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उनका यह हाल ट्रैवल एजेंट की कबूतरबाजी के चक्कर में हुआ है। दयारे गैर में गुलामों जैसा सलूक की खबर सुनकर उनके परिवार वाले परेशान होने लगे। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। मालूम नहीं है हमको, कुछ याद नहीं आ रहा है हमको, कितना दिन था कितना दिन नहीं, वो गिनती नहीं किया मैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरा तो याददाश्त चला गया था पूरा, दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा दिमाग से। अभी मैं कुछ यहाँ घर आने के बाद भी मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग। मैं घर आए उसके बाद यहाँ आके यहाँ भी कुछ याद नहीं आ रहा है, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कौन हमको मलेशिया भेजे, कैसे घटना हो गया मेरे साथ में। पहली जिंदगी में पहली बार मेरे साथ में घटना हुआ है, ये बहुत मुश्किल से मैं कैसे कैसे फ़ोन करके, मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया पूरा, सब सामान चोरी हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास, मोबाइल वोबाइल सब चुरा लिया मेरा मलेशिया में। और मैं दूसरे का मोबाइल से फ़ोन कर रहा था घर पे, भाई का मोबाइल में तो बात कर रहे थे, तब फिर हमको बुलाया घर। कैसे गए थे मलेशिया यहाँ से, कैसे गए थे मलेशिया यहाँ से? गए थे वो गाँव का एजेंट है, वो लेके गए थे हमको, वो भेजा था, कैसे कैसे क्या हुआ वो पूरा एकदम सेटिंग करके भेज दिया हमको, और गलत जगह में भेज दिया है, और काम में कुछ नहीं मिला, ऊपर से मारा गया, हम मारा है हमको मलेशिया में, काम नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला यहाँ से। यही हमारा ही यहाँ का एजेंट है, वो भेजा था हमको। किसके पहल से लाया आपको यहाँ पर, किसके पहल से आए? मास्टर मुजाहिद भाई के वजह से आया हम। इस मामले की खबर मिलते ही कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने उन्हें वापस लाने का प्रयास तेज किया। काफी जद्दोजहद के बाद उनकी वतन वापसी हो पाई, लेकिन मोहम्मद अयूब की याददाश्त अब तक नहीं लौटी है। विदेश में कमाने की लालच में मुसीबत में फंसने का ये कोई नया मामला नहीं है, इसलिए जो लोग भी विदेश जा रहे हैं वो होशियारी जरूर बरतें, वरना आपका हाल भी ऐसा ही हो सकता है। ये 25 अक्टूबर को तिरुचिरापल्ली से इनका फ्लाइट था रात को मलेशिया के लिए, इसको एजेंट द्वारा ये कह के ले गया, ये मुंबई में रहते थे, एजेंट भी मुंबई में रहते थे, तो वहाँ तुमको बढ़िया नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, उसी लालच में गए। 26 अक्टूबर की सुबह ये मलेशिया पहुँचते हैं, और जो वीजा पर भेजा गया था वो 3 नवंबर को एक्सपायर कर जाता है, तो अब इल्लीगल हो गया। उसके बाद जैसा ये बता रहा है, इनको काफी मार पीट टॉर्चर किया गया, और जो है उसके बाद ये बार बार इनको अपने दो भाई का मोबाइल नंबर याद था, इसी से वो किसी के मोबाइल से फोन किए, फिर ये लोग उनको पैसा भी भेजे खर्चा के, यहाँ भूखे रह रहे, खाने बगैर आफत है। ये सब चल ही रहा था कि 4 जनवरी को ये जो है सड़क किनारे पड़े हुए थे, अब इनका एक्सीडेंट हुआ या कोई मरा था, सर में गहरी चोट थी, कोई आदमी देखा होगा, एम्बुलेंस मंगा के इनको HUKM हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया कुआलालंपुर में। इनके घर में MBC वाले फोन किए 7 या 8 जनवरी को कि जो है तुम्हारा भाई यहाँ इस हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत गंभीर चोट है, आप जो है इस नंबर पर बात करके जो है इमीडिएट उसका इलाज उलाज करवाओ, जो है कोई आदमी को भेजो हॉस्पिटल।
तो ये फिर बात किए हॉस्पिटल से, तो वो लोग मलेशिया और जो है इंग्लिश तो इतना बात समझ में है। तो फिर सवेरे तीनों भाई शमशाद साहब, तौकीर साहब, मास्टर उमर दराज और इनका भतीजा, वो लोग मेरे पास गए। यहाँ पर उप मुखिया साहब बड़ी जान, इम्तियाज बाबू, ये लोग भी गए। तो हॉस्पिटल के नंबर पर बात किए तो बताया वो जो डॉक्टर ने कि इनका इनको क्या घटना हुआ नहीं पता, लेकिन सर में बहुत गंभीर चोट है और अभी आईसीयू में एडमिट है। इमीडिएट कोई भी इनका रिश्तेदार या जानने वाले को हॉस्पिटल में भेजिए, वो आके कागजी प्रक्रिया पूरा होगा तो जो है तब इनका जो ऑपरेशन होना है ब्रेन का। तो फिर यही लोग, इनके घर वाले लोग एजेंट का नंबर दिए, हम अपने से बात किए उसको कि भाई इमीडिएट तुम कोई आदमी भेज के पहले इसका जान बचाओ, ऑपरेशन होना है। वो तो हाँ हाँ कर लिया, घर वाले से भी लगातार वो भेजा नहीं। वो फिर इन लोगों को बोलने लगा कि वो गलत भीजा पर गया, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो हम लोगों को पलक पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगा, कोई गया नहीं। तब लास्ट में फिर हम लोग जो है बात किए कर्नल ताहिर मुस्तफा साहब, विदेश मंत्रालय में एक बड़े अधिकारी हैं, मेरे मित्र हैं। फिर वो जैसा जैसा डायरेक्शन दिए उस हिसाब से फिर हॉस्पिटल वाला बताया, उस वक्त तक बिल 7 लाख था और जो इमिग्रेशन, क्योंकि ये 3 नवंबर के बाद मैंने गलत ढंग से रह रहे थे, 3 नवंबर तक इनका वीजा था, तो उसका फाइन टिकट लेके उस वक्त 10 लाख रुपए हो रहा था। तो बोले भाई हम लोग सब भाई अलग अलग है, इतना पैसा कौन खर्चा करेगा, एजेंट ध्यान दे नहीं रहा। तब उसी पर इसका इनकम सर्टिफिकेट बनाया गया 60,000 का और 1 फरवरी को इंडियन हाई कमीशन कुआलालंपुर, विदेश मंत्री जो है सुब्रमण्यम जयशंकर जी और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी को जो है सब कागज, इनका वीजा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और इनके भाई का एक एफिडेविट लेटर कि भाई हम लोग 7 भाई से हैं, ये छोटा भाई है, ये माँ बाप नहीं है, ये अपना अकेले बाहर रहा काम किया, तो हम लोग उतना खर्चा बेयर नहीं करते, इसको ICWF फंड से लाया जाए। उसी में प्रक्रिया शुरू हुआ, तब हॉस्पिटल से इनको कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले जो है इंडियन हाई कमीशन लाया गया, वहाँ पर शेल्टर होम में रखा गया। फिर हम लोग वीडियो कॉलिंग से इनसे बात भी किए, उत्तर प्रदेश के वहाँ हजारों लोग इस तरह से फंसे हुए हैं, वो लोग बात वूत भी करा, ये काफ़ी रो रहा था कि हमको जल्दी यहाँ से निकालो, कोद घोर जाम, इसको आश्वासन दिए। तब ये जो है 6 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट मलेशिया से इनको भेजा गया, वहाँ इनके जो है दामाद लगते हैं नोमान बाबू, जो चैनपुर बोचागारी अमोर विधानसभा से, वो उनको रिसीव करके अपने साथ अपने रूम में ले गए, 2 दिन रखे और कल सुबह जो है 10 तारीख को ये जो है ट्रेन से घर पहुँचे हैं। थैंक यू।